महापौर निर्मल कोसले ने चरोदा वासियों को लाखों के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शीतला तालाब में छठ घाट सहित चार वार्डों में आरसीसी के लिए श्रीफल फोड़कर कार्य प्रारंभ कराया। चरोदा रेलवे कॉलोनी के शीतला व शिव मंदिर परिसर में तार फेंसिंग के काम को भी गति प्रदान की गई। सबसे पहले तो मैं नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है, नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज से चांद का दीदार भी हो गया है तो उनको भी मैं बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भिलाई चरोदा में जिन उम्मीदों के साथ हमारे शहर सरकार को लोगों ने बनाया, एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक वार्ड का पार्षद बनाया और वार्ड के पार्षदों के माध्यम से जो महापौर बनाया, निश्चित रूप से भिलाई चरोदा का जो विकास है, विकास की गति तेज हो रही है। नवरात्रि के आज दूसरे दिन हम लोगों ने आज 8 जगहों पर आज काम का शुभारंभ करने के लिए श्रीफल तोड़ा है। माँ शीतला की धरती से हम लोगों ने प्रारंभ किया, शीतला माता के प्रांगण में 5 लाख की राशि से वहाँ का विकास किया जाएगा। उसके बाद वहाँ का जो तालाब है उसमें पचरी निर्माण और उसके बाउंड्री वाल के लिए 7 लाख रुपये की राशि छठ घाट के लिए हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 28 के शिव मंदिर में भी 5 लाख राशि से बाउंड्री वाल किया जाएगा, तार फेंसिंग किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 27 में रोड का भूमि पूजन और नाली का भूमि पूजन हम लोगों ने आज श्रीफल तोड़ के किया है। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने भाई एस वेंकट रमना के वार्ड में 2 जगहों पर एक नाली निर्माण के लिए हम लोगों ने आज श्रीफल तोड़ के शुभारंभ किया। और बरसों पुरानी जो मांग रही है वार्डवासियों की, प्राचीन समस्या रही है कि यहाँ दलदल हुआ करता था, यहाँ पानी की समस्या थी, पूर्व जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे वार्ड पार्षद बनने के बाद, हमारी शहर सरकार बनने के बाद यहाँ 19,85,000 की लागत से रोड भी बन रहा है और लगभग इतनी राशि से सीमेंटीकरण भी होगा और नाली निर्माण भी किया जाएगा। मैं शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा और इन 5 वर्षों में भिलाई चरोदा पंचशील नगर वार्ड एक अलग वार्ड नजर आएगा, विकास की गंगा यहां पर बहेगी, इसका विश्वास दिलाता हूं। आने वाले समय में पंचशील नगर की बहुत बड़ी जो समस्या थी कि वार्ड चिन्हांकित नहीं है, लोगों को आने जाने के लिए वार्ड में अपने घरों का एड्रेस बताने के लोगों को भटकना पड़ता है, हम लोगों ने अपने बजट में प्रावधान रखा है। पंचशील नगर की सारी गलियों में बोर्ड लगाया जाएगा, स्ट्रीट नंबर दिया जाएगा और कौन कौन से कॉलोनी किधर के हैं उनके लिए प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा और सभी कॉलोनियों का नामकरण किया जाएगा। भूमि पूजन किया गया, कितने का भूमि पूजन किया गया, किस प्रकार का? 19,56,000 का ये रोड का है। उधर उधर के संदीप सिंह के 18,56,000 का वहाँ का रोड नाली का है। और ये मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी के मार्गदर्शन में, महापौर निर्मल जी के मार्गदर्शन में इतना विकास कार्य हो रहा है। आज पंचशील नगर में गली गली कोना कोना में रोड नाली बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में। कई ये कुछ लोग वार्ड में फैला रहे हैं भ्रम के, काम यहाँ चालू हो रहा है वहाँ चालू, पूरे वार्ड में काम होगा। 5 साल में पूरे वार्ड को अलग वार्ड बनाएंगे, पूरे 40 वार्ड में पंचशील नगर पूर्व ईस्ट अलग वार्ड दिखेगा। ये मेरा